अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का स्टू। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 kg मटन का गोश्त था जो मैंने धो के चूल्हे पर रख दिया, और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड किया। इसके अंदर मैंने 4 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। ये सौंफ धनिया है कुटा हुआ, साबुत मिर्चें हैं, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें और बड़ी इलायची, ये सब भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 1 teaspoon नमक, और जब मैं भुनाई करूँगी इसके बाद नमक मैं और ऐड करूँगी। और 4 से 5 दरमियानी साइज के प्याज हैं जो ये मोटी मोटी जो है ना कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और फिर से मैंने वो फ्लेम पे रख। चार से पाँच मिनट मैंने टमाटर ले लिए, 50 to 55 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन थी, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका था, अब मैं टमाटर डाल के इसकी फ्लेम थोड़ी हाई कर दी है और ताकि इसमें ये टमाटर घुल जाए और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए टमाटर हमारे ऑलमोस्ट घुल चुके हैं और हमारी भुनाई शुरू हो गई है, और साथ ही मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और लास्ट में इसे हरे धनिया और अदरक से गार्निश करेंगे। ये हमारी भुनाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। साइडों में जो है ना पतीले ने सालन में जो है ना तेल छोड़ दिया है, ये इसका फाइनल लुक है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।